Bismillahir Rahmanir Rahim student, today is our 46th lecture of mechanics. We have to start the chapter 9, that is the angular momentum. The word momentum you have learned or studied in your earlier classes, FSC classes, linear momentum. Similar is the case with the angular momentum. You have also learned the angular momentum in your first year classes. What is linear momentum? Linear momentum is denoted by P, and it is the product of mass and velocity. ठीक है, mass and velocity का जो product है that is mv, P is equals to mv, ये हमारे पास क्या linear momentum आता है. So similar is the case with the rotational motion. Linear motion में हम linear momentum use करते हैं और angular motion में हम उसी momentum को हम क्या कह देते हैं, that is the angular momentum. इट इज़ इन द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर केस में हम उसको यूज़ करते हैं. सो इट इज़ यूजफुल इन एंगुलर मोशन एज द लीनियर मोमेंटम इन लीनियर मोशन. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. कंसिडर पार्टिकल ऑफ मैस एम एंड लीनियर मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम वी लोकेटेड एट पॉइंट पी. ठीक है, ये एक्स वाई जी थ्री एक्सिस हैं हमारे पास. ये एक पॉइंट पी पे हमने देखना है जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम क्या है, एम वी उसका मोमेंटम है लीनियर. पी से डिनोट करेंगे ना लीनियर मोमेंटम को. और ये आर क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, रिलेटिव टू ओरिजिन ओ. और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देख रहे हैं. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड एंड द बॉडी इज हैविंग द एक्सलरेशन द हैविंग द जीरो एक्सलरेशन. सो एंगुलर मोमेंटम is the momentum of linear moment of linear momentum relative to the origin. तो angular momentum L जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, L से denote करते हैं angular momentum को. और linear momentum को हम P से denote करते हैं. ठीक है, P is equals to mv is the linear momentum and r is the position vector. So angular momentum will become L is equals to r cross P. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम. अब देखें एल जो है हमारे पास आर क्रॉस पी आ गया. सो एंगुलर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. उसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम उसको लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में. और हम क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर क्वांटिटी, सो वी विल राइट आर पी साइन थीटा. ठीक है, साइन आएगा क्रॉस के केस में, डॉट होता तो कॉस आता, क्योंकि क्रॉस है तो इसका मतलब साइन थीटा आएगा. ठीक है, थीटा क्या है हमारे पास, दैट इज़ द स्मॉलर एंगल बिटवीन आर एंड पी. आर और पी के दरमियान में जो एंगल है, इसकी जो डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द एक्स वाई प्लेन इन विच द आर एंड पी लाई, मीन्स के जी एक्सिस के अक्रॉस जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. स्टूडेंट ये जी एक्सिस है. हम राइट हैंड रूल से हम अपनी फिंगर को कर्ल करें तो थंब जो है वो हमारा शो करता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इफ़ वी कर्ल आवर फिंगर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ द जी एक्सिस. ठीक है, अपने राइट हैंड की फिंगर को आप इस तरह से सर्कल करें. ठीक है, तो थंब आपका जी एक्सिस को शो करेगा, पॉइंट आउट करेगा, और वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की होगी. इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी. इसी तरह से जो है एंगुलर जो एक्सेलरेशन है सबकी डायरेक्शन जो है अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, वो हमारे पास आएगी राइट हैंड रूल से रोटेशनल केस में, एंगुलर केस में. ठीक है, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग जी एक्सिस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल. नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन आर पी साइन थीटा इन द फॉर्म आर साइन थीटा पी पी आर परपेंडिकुलर. मीन्स कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम जैसे उसको प्रूव करते हैं कि पहले हम आर साइन थीटा लिखते हैं. आर परपेंडिकुलर है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखनी है ना हमने, और पी मल्टीप्लाई होगा. इसी तरह से आर को हम आउटसाइड लेंगे, पी साइन थीटा लिखेंगे, मीन्स पी परपेंडिकुलर इंटू आर. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोनों तरीके से. आर परपेंडिकुलर मीन्स के उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, साइन थीटा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. ठीक है, पहले हम
उसका आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पी से, फिर पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे और फिर उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने लिया है साइन 90, क्योंकि मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है ना, इसलिए हमने उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, अफेक्टिव कंपोनेंट। तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आएगा हमारे पास। तो कंपोनेंट ऑफ आर एट राइट एंगल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी एंड पी परपेंडिकुलर जो है वो पी साइन थीटा, ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ पी एट राइट एंगल टू द पोजिशन वैक्टर आर। ठीक है, पहले आर के रिस्पेक्ट ले लिया, फिर हमने पी के रिस्पेक्ट ले लिया, बात एक ही है। वी सी दैट द ओनली द कंपोनेंट ऑफ पी परपेंडिकुलर टू आर कॉन्ट्रीब्यूट टू एंगुलर मोमेंटम वेयर थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी पासिस थ्रू द ओरिजन, वी हैव बोथ पी साइन थीटा 0 एंड आर साइन आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा 0, हैंस द एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा इज इक्वल टू आर पी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, दैट इज द वैल्यू।